ओके, आप इन तीनों में से किसको किंग एंड क्वीन टूर्नामेंट का विनर देखना चाहते हो? और यार, इन तीनों में से कौन सा बंदा फिनाले के अंदर नहीं जाने वाला है? तो देखो, इन तीनों में से टामा डोंगा फिनाले के अंदर नहीं जाएगा। जो फिनाले के अंदर जाने वाले हैं वो बंदे हैं रैंडी ऑर्टन और गुंथर। क्योंकि देखो, यहाँ पर टामा डोंगा का कोई भी सेंस नहीं बनता है कि उनका मैच किंग एंड क्वीन टूर्नामेंट में हो। अगर यही पर जय उस विनर बनते तो इसका सेंस बनता। देन हम बात करते हैं, मतलब कि आप देख सकते हो, जैसे ही फिन बेलर गाड़ी से उतरे उसके बाद पीछे से लीव उतर रही है। हम बात करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या ही खतरनाक पहले के पोस्टर हुआ करते थे पीपीवी के, जैसे लाइक कोई हॉरर फिल्म शूटिंग हो रही है या हॉरर फिल्म का कोई पोस्टर हो। देन हम बात करते हैं स्टन कॉल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के बारे में। तो ये कहते हैं कि मैं WWE के अंदर वापस कभी रिटर्न नहीं लूंगा, ना ही मैं रेसलिंग कैरियर के अंदर वापस आने वाला हूँ, भले मेरे से भी ज्यादा के रेसलर अभी भी रसल कर रहे हैं, मतलब उनके एज से। तो चलो, ये बात तो होती है कंप्लीट, अब मेरी बात सुनो। तो कैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वापस से रिटर्न आ सकते हैं? कैसे? तो मतलब आपको द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में पता होगा, वो 9 साल बाद रिटर्न आए थे। कैसे? कि उनके बारे में आपको पता होगा कि वो साइकिलिंग करने के लिए गए थे कहाँ पर, पहाड़ों में, जहाँ पर गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है लेकिन उनको दर्द होता ही नहीं है, तो वो इसीलिए WWE में वापस आते हैं, सिर्फ इसी कारण। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ भी ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को लगता है, अब वो नहीं आने वाले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सबको राधे राधे।